आंसू मेरे आंसू नहीं सर आंसू नहीं आने दूंगा ये आज हमने जो सोचा यहाँ पे आने का तो सोचते सोचते आज हम पहुँच ही गए अल्हम्दुलिल्लाह जी स्टार्ट हो गई है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। डेली फंडा में सैयद अली की तरफ से और तला भाई ट्रेवल एंड डिस्कवर की तरफ से आपकी खिदमत में पेश है और आज हम मौजूद हैं एमबीसी शॉर्टकट नहीं कहेंगे हम इसको, कहेंगे माशाल्लाह बर्गर सेंटर मेन हुसैनाबाद फूल स्ट्रीट पर और मेमन मस्जिद के बिल्कुल सामने। इनके जनाब आज हम जो बम फाड़ने वाले हैं ट्रेवल एंड डिस्कवर की तरफ से और फंडा में आज के फंडा का बंडा काफी टाइम से हम इस चीज को प्लान करने वाले थे पर कभी अली भाई की मसरूफियत थी कभी हमारी मसरूफियत थी तो हम आ नहीं पाए तो आज फाइनली हम इस जगह पे पहुंचे हैं। लेकिन तला भाई एक बात फिर बात काट रहा हूँ माजरत के हम लेट हुए तो इनकी जो नया आइटम जो लॉन्च हो गया वो आपको हमें मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। नई चीज आपको बताएंगे अभी नहीं बताऊंगा आने दे फिर बताऊंगा। ऐसा है कि आपने ना सुना होगा ना खाया होगा ना पूरे कराची में मैं समझता हूँ नहीं है। वीडियो को एंड तक देखें क्या चीज खाने वाले हैं किस चीज का रिव्यू देने वाले हैं एंड तक देखें स्किप ना करें कोई इसमें लफादी नहीं है ओरिजिनल ऐसी चीज दिखाने वाले हैं इंशाल्लाह मजा आएगा देसी स्टाइल में फास्ट फूड थोड़े से दे दिए बाकी अब आगे देखें होता है क्या। डेली फंड और ट्रेवल एंड डिस्कवर की तरफ से लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें और हमारे चैनल को फेसबुक पे चैनल को फॉलो करें। थैंक यू सला भाई काफी इंतजार के बाद यकीन जाने बहुत इंतजार के बाद क्वालिटी खानी है तो इंतजार तो करना इंतजार कर लेकिन ये आज हुआ है भाई आज हुआ है वैसे नॉर्मली क्योंकि पूरे दिन कराची में जो आज लाइट की जरूरत है उस वजह से आज थोड़ा सा इनका भी शेड्यूल बिजी रहा काफी बिल्कुल सर आप बताएं क्या चीज हमने मंगाई है हमारे व्यूअर्स को बता दें खोल दे रहा है कराची वालों पे फंडा और अपना ट्रेवल एंड डिस्कवर की तरफ से अब हम जो फंडा करने जा रहे हैं जनाब ये है हमारा देसी जिंगर बहुत खाए जिंगर पहली दफा लॉन्च हुआ कराची में जी हाँ ये देखें देसी जिंगर सुभान अल्लाह। अच्छा जी देसी जिंगर इसका नाम क्यों है इसकी मैं आपको थोड़े सा बैकग्राउंड इसकी जो फिलॉसफी है इनकी वो बता दूं कि जो इसका जो क्रिस्पी जो स्टफ है वो जिंगर से इन्होंने जोड़ा है और देसी इसलिए तला भाई कि बहुत स्पाइसी है ये अच्छा स्पाइस लवर्स के लिए ये इनके लिए चले आप ना खाएंगे हम खाएंगे हम इंजॉय करेंगे और आप आएंगे आप लोग इंजॉय करेंगे क्योंकि बहुत ही मजा आने वाला है। तो जी स्टार्ट करते हैं रिव्यू देते हैं बगैर टाइम जाएगी लीजिए तला भाई बाकी ठीक है काफी तीखा है झटका मार रहा है यार ये लाजमी इसको ट्राई करना चाहिए बिल्कुल जरा अच्छा सॉस भी देखे कितनी स्पाइसी जी हाँ ये देखिए सॉस देखे ये चिली गार्लिक सॉस है और ये इनका गार्लिक मायो गार्लिक सॉस है बेहतरीन जनाब इसके साथ भी चेक करते हैं आपको बताते हैं। यहाँ से मुझे एक आइडिया आया अली भाई अक्सर लोगों ने कुरकुरे खाए उसके रैपर पे देखे जोर का झटका लगा ये वो ही है झटका देने वाली है ना भाई स्पाइसी बिल्कुल मजेदार है। अब इसके बाद नेक्स्ट आइटम की तरफ आए जिन लोगों ने हज उमरा किया है या सऊदी अरब गए हैं वहाँ पे अलबैक लाजमी इन्होंने ट्राई किया होगा। नॉर्मली एयरपोर्ट जब आप दुबई एयरपोर्ट पे होते हैं अगर अलबैक के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा ये है भाई कराची में अलबैक ब्लोस इसकी स्पेशलिटी जी ये है कि तला भाई इसको अगर आप तोड़ेंगे ना तो अंदर से जो इसके वो सॉस टाइप इसमें निकलेगा ना वो ही आपको दिखाने वाला है गरम बहुत है यार ये देखें पकना शुरू हो गया ये चीज अलबैक वाले जो इंटरनेशनल आपको सऊदीया में मिल रहा है वही चीज ये आपको यहाँ प्रेजेंट कर रहा है ये देखें कितना जूसी ब्रोस्ट आपको यहाँ ऐसा नहीं ये है जी अलबैक ब्रोस्ट ये क्वालिटी है सर ये रेकमेंड होना चाहिए पूरी हाईली रेकमेंड होना चाहिए पूरे कराची में आए ट्राई करें बहुत ही मतलब यमी सा जो इसका जो क्या कहना चाहिए जो अरोमा है ना सर नो डाउट ये फ्राइज प्राइस की भी तारीफ करनी है सर फ्राइज में भी टेस्ट है
फ्राइज में भी टेस्ट ऑनेस्टली ये देखें रियल भाई ब्रोस को बाइट कर रहे हम टेस्ट करते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ये इसकी सॉस बड़े बड़े ब्रांडेड ब्रोस भूल जाएंगे आप KFC मैकडोनल्ड सब पी के नाम ही नहीं ले रहे जनाब मैं इसीलिए लिटरली लाजमी है ट्राई करें मजा आएगा दुआएं देंगे अली भाई को भी कर लूं भाई सर आप करें आप बिस्मिल्लाह करें प्राइस में भी टेस्ट इन्होंने डिफरेंट बिस्मिल्लाह जो फ्लेवर इन्होंने इस्तेमाल किया डिफरेंट नॉर्मली फ्राइज जो है ये अच्छा है यार ये स्पेशल सॉस है सर सॉस इनका अच्छा है मस्टर्ड सॉस जो नॉर्मली जितने भी ब्रांड्स या जो भी छोटे मोटे दुकानदार सब दे रहे हैं उससे बहुत डिफरेंट है दिखने में वही है टेस्ट बहुत फर्क है टेस्ट बहुत अच्छा है अच्छा सर आपने एक चीज इनकी ट्राई करना भूल गए ये इनकी स्पेशल सॉस जो ओए होए ये और करंट है भाई जो बहुत स्पेशल तीखा खाने वाले ये उनके लिए स्पेशल इनके दोस्त के साथ खाई जाती है सर इसके साथ खाएं ये भी कुरकुरे याद आ जाएंगे आपको इसके मैं जब मुंह में रख लूँ ना आपने कैमरा बंद कर दे बहुत मुश्किल होने वाली है हाँ जी ये बहुत मुश्किल होने वाली है सीरियसली बहुत मिलते हैं यार तो आप लोगों के लिए खा रहा हूँ और बता रहा हूँ जो स्पाइस लवर थे उनके लिए नो डाउट बहुत जबरदस्त मैं स्पाइस लवर यार इसके साथ वो नहीं आई थी बेसन की रोटी बेसन की रोटी चल आप बाहर इस टाइम हुसैनाबाद MBC पे बैठे हुए हैं चटनी लोग समझ गए होंगे हाँ यार चटनी से मुझे वो याद आ गई चटनी बहुत जो नॉर्मली तीखी लाल चटनी होती है ये वो है सही ये तो मैं ट्राई करने वाला हूँ मैं हूँ स्पाइसी लवर मैं ये बहुत खाता हूँ स्पाइसी एक तो ऑल बैक डिफरेंट टेस्ट ब्रोस्ट में और दूसरी ये सॉस दुआएं देंगे आंसू चल रहे हैं आंसू मेरे आंसू नहीं 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 सर आंसू नहीं आने दूंगा यार आपने मैंने कहा था बाद में बंद कर दें आपने बंद नहीं किया लेकिन नो डाउट ये मजाक अपनी जगह मजा आया रिकमेंड करेंगे आप भी रिकमेंड करेंगे बिल्कुल बिल्कुल आगे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी पता चले कि हुसैनाबाद पे इस टाइम नई वैरायटी क्या आई हुई है लोग हुसैनाबाद बहुत आते हैं लोगों को नहीं पता कौन सी की ये हमारा काम सही बात है इसलिए हम जगह जगह ढूंढते हैं आप लोग के लिए इसलिए हमारी हौसला अफजाई करें बिल्कुल 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 बताएं हमारा काम है बताना तो आप लोगों का काम है लाइक शेयर और सब्सक्राइब डेली संडा और सासर ट्रैवल एंड डिस्कवर को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें मैक्सिमम लोगों तक फैलाएं ताकि हमारी और हौसला अफजाई हो आगे से आगे बढ़े आपको मजीद चीजें दिखाते हैं नो डाउट इसीलिए हम यहाँ खड़े हुए थे काफी टाइम हमें लग गया और ये तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा यूनिक है देसी सिंगर आपने नहीं सुना होगा आप जरूर आए माशाल्लाह ब्रोस सेंटर पे है ना MBC माशाल्लाह ब्रोस सेंटर माशाल्लाह माशाल्लाह बर्गर सेंटर ब्रोस सेंटर माशाल्लाह बर्गर सेंटर माशाल्लाह बर्गर सेंटर पे ट्राई करें हुसैनाबाद मेन फूड स्ट्रीट अब तक के लिए इतना ही मुझे और अली जैदी साहब को दीजिए इजाजत अल्लाह हाफिज़